ये रहा फाइनल लुक्स उसे हम लोग ने। ये देखिए झींगा तो नहीं मिला लेकिन हमें केकड़ा मिलने शुरू हो गया। तो हेलो गाइस, फिर से आपको वेलकम करता हूँ मेरे और एक नए ब्लॉग पे। तो आज मैं निकलने वाला हूँ नदी की ओर झींगा पकड़ने के लिए। बिना जाल का, बिना मच्छरदानी का एक हथियार बना के हम जाने वाले हैं वहाँ में। तो चलते हैं वहाँ में झींगा नदी में, कितना मिलेगा, कैसा होगा, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होगा मेरा। तो चलते हैं नदी में झींगा पकड़ने और केकड़ा। तो ये बेम्बू में हम लोग ये छत्ती के जो जो आयरन लाठी उसी से हम लोग रबर से बांध के मारा जाएगा। जैसे करके इसको आप धार कर रहे ये छेद जो मतलब क्लियर होने तभी इसमें जोर पड़ेगा और झींगा हो या मछली हो हम इसे पकड़ पाएंगे। तो हमारा टीम रेडी है जाने के लिए लामा के, शायद 20-30 किलो लेके आएंगे हम लोग आज। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ फाइनली पहला औजार हम लोग बन चुका है, रबर और बेम्बू का ये होल से कलम को भी हम लोग इस्तेमाल करने वाला है। जो पुराना कलम जब घर में है तो उससे भी आप ज्वाइन करके बना सकते हो। तो ये देखिए ये रबर का साथ में हम लोग पकड़ने वाला है। चलते हैं नीचे की ओर, नदी की ओर। तो ये है स्टार्टिंग पॉइंट हम लोग का झींगा पकड़ने का। यहाँ आने के साथ साथ एकदम रौनक ठंडक शुरू हो जाता है, बहुत हवा बहता है, ठंडी ठंडी हवा बहती है और नदी हमें सुंदर से आप यहाँ नहा सकते हो, पी सकते हो, बहुत खूबसूरत जगह है। तेजी में जब पानी नहीं होता है लोग यहीं आके नहाते हैं, खाते हैं, पानी ले जाते हैं, खाते पीते सब कुछ यहीं करते हैं। ये देखिए झींगा तो नहीं मिला लेकिन हमें केकड़ा मिलने शुरू हो गया। केकड़ा 5-6 अभी तक हमने कैच ले चुके हैं, कैच किया और भी बहुत मिलने वाला, वो भाई को भी मिल गया अभी। ये है केकड़ा कंट्री। अभी यहाँ से मैं 4-5 ले चुका है और भी बहुत सारे हैं, काला, लाल, पीला, हरा, सब प्रकार का केकड़ा। ये देखिए लाइव दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए आखिरकार मिल गया हमें केकड़े का मामा। ये देखिए केकड़े का मामा। तो हम जा रहे हैं ऊपर की ओर। ओलिविया हम लोग का सबसे जूनियर हंटर, और जूनियर हंटर को कितना मिले आपको दिखाता हूँ मैं। इसे भी बहुत सारा है लेकिन इसे लेकिन ब्लैक वाला में रखा, लगभग अलग अलग ब्लैक वाला में रखे, लेकिन लगभग 4-5 मिला है ना। नहीं नहीं ब्लैक वाला में भी तो रखा था ना पापा। तो ये हम लोग सबसे जूनियर हंटर को भी कम से कम 8-9 मिल गया, जो कि बहुत गहरा पानी है। अभी हम लोग रीयूनियन हो गया है, मतलब रीयूनियन अलग अलग जगह में फैल चुका था, टीम सब आ गया 40 टेंकू। तो अभी हम लोग आखिरी बार यहाँ से ट्राई करेंगे क्योंकि किसी ने कहा है इस तरह बहुत मिलता है, लेकिन झूठ भी हो सकता है, सच भी हो सकता है, वी डोंट नो। ट्राई करते हैं, देखिए भाई को, लेकिन केकड़ा का जगह उसे घास मिला। मछली मारने भी हो गया, अभी हम लोग सुंगूर का दाना कच्चू लेके जा रहे हैं। तो 2-in-1 काम हो चुका है, कच्चू भी हम लेके जाएंगे और नहाने वाला नहा रहा है, तैर रहे हैं।
मजा उठा रहा है। तो काफी काम करने के बाद, काम वाम कच्चू सच्चू मछली सचली पकड़ने के बाद आप हम आए हैं यहाँ नहाने के लिए। ये है एकदम स्ट्रीम वाटर, एकदम ठंडा पानी। तो यहाँ नहाएंगे और हम जाएंगे, लोग भी यहीं नहाते हैं। और काफ़ी ऐसा जगह है और इतना ठंडा है ना, आपको पूरा जैसे कि फ्रिज का पानी का जैसा ही एकदम ठंडा पानी। बढ़िया है, नहा के जाता हूँ। फाइनली ये रहा हमारा कच्चू। बहुत ही जस्ट जस्ट करके, बहुत ही तकलीफ करके हम वहाँ से यहाँ तक पहुँचा के लेकर, थक गया बाबा, काफ़ी थक गया। मेहनत है सिमड़ पालना भी। तो यही था आज का मेरा छोटा सा ब्लॉग। मछली उछली, झींगा, केकड़ा, क्या क्या पकड़ने कोशिश किया। इतना खास तो नहीं मिला, लेकिन जितना हो सका कोशिश किया। तो नेक्स्ट टाइम ज़रूर हम लोग दिखाने की कोशिश करूँगा, अच्छा से एकदम प्लानिंग के साथ जाऊँगा। और अभी मैं नहा धो के यहाँ से निकल रहा हूँ। और देखिए एकदम शाम होने जा रहा है, एकदम अंधेरा अंधेरा छा चुके हैं। अगर आपका ब्लॉग आज का ब्लॉग अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कर दे, दोस्तों को भी शेयर कर देना। तो अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सी यू नेक्स्ट ब्लॉग विद नया जोश के साथ आपसे मिलेंगे। टेक केयर, बाय। ये रहा फाइनल लुक्स। इसे हम लोग ने अच्छी तरीके से ड्राई फ्राई करके अभी हम लोग सब मिल के खाने वाले हैं। यहाँ है भाई, हम लोग का ब्रदर मुन्ना, ओलिविया, मामू, कुसुम विद कोको कोला का साथ हम लोग अभी लेंगे। अभी जाइए और फिर ये केस कीजिए ट्राई। हम देख जाते हैं।